अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कहकशां फ्रॉम पार्कव्यू सिटी। आज हम आए हैं अपने सेल्स पार्टनर डी लैंड डील्स के ऑफिस में। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल, आपको कितना अर्सा हो गया रियल इस्टेट में? रियल इस्टेट में मुझे, मैंने 2017 से काम स्टार्ट किया था रियल इस्टेट का, और अभी 4 साल ऑलमोस्ट मुझे हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। पार्कव्यू सिटी के साथ आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? पार्कव्यू सिटी हमने लास्ट रमज़ान में स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल 2020, तो ऑलमोस्ट साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी थी, किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था आपको पार्कव्यू सिटी ज्वाइन करने में? इनिशियली आपको सच बताऊँ तो पार्कव्यू की कोई हमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं थी कि हम उसका काम करें, क्योंकि हम बाकी प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। लेकिन उसके बाद बाजवा साहब आए, उन्होंने कुछ पॉलिसीज चेंज की, कुछ मार्केट में उसकी वाइब बहुत पॉजिटिव हुई, और जो मुझे सबसे ज़्यादा, जिस बंदे ने पिच किया था पार्कव्यू, जिसके कहने पे मैंने किया, वो फरहान था जो जोनल सेल्स मैनेजर है। वो ऑफिस आए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, नहीं आप पार्कव्यू सिटी कर रहे हैं, अब हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, मैनेजमेंट बेहतर हो गया है, पॉलिसीज बेहतर हो रही हैं, तो बेसिकली मुझे उन्होंने मोटिवेट किया था। ठीक है, फरहान ने तो आपको कन्वेंस किया, आपको खुद पार्कव्यू सिटी की कौन सी चीज़ अच्छी लगी? बीइंग ए जोनल सेल्स मैनेजर, फरहान ने तो हमें मोटिवेट किया, लेकिन उसके अलावा जो पार्कव्यू की लोकेशन थी वो बहुत इंप्रेसिव है। आप इस्लामाबाद की लोकेलिटी में आप कहीं भी प्लॉट ले लें, उसकी ये लोकेशन नहीं है, और जिन लोगों ने घर बनाना है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उन्होंने घर बनाना है और वो घर बनाना चाहते हैं, तो आप इस्लामाबाद में देखें कोई ऐसी जगह नहीं है जो इतनी अट्रैक्टिव हो, हाइटेड हो, एरिया बहुत ज़बरदस्त हो, डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हुई हुई हो, तो ये एक मोटिवेशन थी हमारे लिए काम करने के लिए। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है एक साल का पार्कव्यू सिटी के साथ काम करते हुए, और क्या डिफरेंस लगता है आपको बाकी की सोसाइटीज में पार्कव्यू सिटी में? देखिए, पार्कव्यू सिटी पिछले एक साल में पार्कव्यू सिटी में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं इन अ पॉजिटिव वे। आपका कमीशन स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, आपकी पॉलिसीज़ जो आती हैं उसमें जितने हमारे रियल्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनका ओपिनियन लिया जाता है। उसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर सेल्स हैं फरीज़ा का बाजा साहब, वो बहुत आपको फैसिलिटेट करते हैं, ना सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं बल्कि आपको आगे का रास्ता भी दिखाते हैं कि आपने किस तरह प्रोडक्ट को लेके चलना है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है पार्कव्यू सिटी की। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं, जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा, उसमें ऐसे है कि हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट इटसेल्फ उसकी एक अपनी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, एक नेगेटिव चीज़ भी है। जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ में रेट्स के डिफरेंस हैं, कुछ में लोकेशन का फ़र्क है। पार्कव्यू सिटी इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद के सेंटर में लोकेटेड है, और आप एक क्लाइंट को पार्कव्यू सिटी अगर आप विज़िट कराते हैं, वो उसको अपना घर बनाने के लिए एक बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं, इवन दो प्राइसेस ज़्यादा हों कम हों, वो ये चीज़ नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पे रहने के लिए अपना घर बनाऊँ। तो हमारा जो मेन फोकस था, जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, वो जेन्युइन कस्टमर पे कर रहे हैं, तो जेन्युइन कस्टमर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था और हमसे खुश था जो हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसके अलावा आपको पार्कव्यू सिटी की कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है? देखिए, इसके अलावा एक रीसेंट पॉलिसी आई है जो मुझे लगता है बड़ी अट्रैक्टिव है। जो लोग हैं, जो एंड कंज्यूमर्स थे, जो अपनी इन्वेस्टमेंट पार्कव्यू में किए हुए थे, उनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू थी, उनकी इंस्टॉलमेंट्स आई, तो पार्कव्यू सिटी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जितने लोग अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं उनको इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट दिया, इवन जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट थी उन पे भी डिस्काउंट दिया, और जो एडवांस पे कर रहा है उसको भी उन्होंने डिस्काउंट दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी फैसिलिटेट किया एंड कंज्यूमर्स को कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएँ और बैलेटिंग में आएँ और अर्ली पोजिशन के लिए लाइबल हों, कि उनको अर्ली पोजिशन दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी। अभी पार्कव्यू सिटी ने PSL को स्पॉन्सर किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि ये सोसाइटी कैसे डिफरेंट है और उसकी पॉलिसीज क्या अच्छी पॉलिसी है, ये चीज़ बहुत डिफरेंट थी, यूनिक थी। बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जैसे ये PSL स्पॉन्सर किया। PSL स्पॉन्सर किया, एक पॉलिसी ये थी, एक पॉलिसी जैसे पहले आई थी, पॉलिसी नहीं, एक इवेंट कराया था पार्कव्यू सिटी ने, जो न्यू ईयर्स इवेंट था, उसकी वजह से, इस इवेंट की वजह से पार्कव्यू की ब्रांड वर्थ बहुत बढ़ी है, और जो एक ब्रांड इमेज क्रिएट होता है उसमें बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ा है। अब लोग पार्कव्यू को जानते हैं, इवन जो लोग पहले पार्कव्यू का सिर्फ सुना ही था, वो भी इस PSL की वजह से गए हैं साइट पे, वो देखने गए हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इवन जो आपके करंट इन्वेस्टर्स हैं, करंट कंज्यूमर्स हैं, जिन लोगों ने पहले ये प्रोडक्ट ले लिया है, उनके लिए बहुत मोटिवेशन होती है कि यार
हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसने इस चीज़ को स्पॉन्सर किया है, उनकी सेटिस्फेक्शन होती है, तो ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने आपसे प्लॉट्स लिए हैं और उनकी जो डिलीवरी अप्रॉस की डिलीवरी, उसके बारे में आपके क्या राय है? देखिए, हमने प्लॉट सेल करना शुरू किए थे सी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, जो दो कनाल के साइज हैं, ई ब्लॉक में कनाल हमने काफ़ी सारे सेल किए, ए ब्लॉक में हमने काफ़ी सारे प्लॉट सेल किए, एच ब्लॉक में किए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो जितनी अर्ली सेल थी, जो हमने, क्योंकि हमें एक साल हुआ है, पिछले छः महीने की जो सेल छोड़ के जो पिछली थी, उन सब लोगों को पोजीशन मिल गया है। ई ब्लॉक में हमने कनाल के प्लॉट सेल किए थे, वो अब पोजीशनेबल है। इवन उन लोगों के जो पेमेंट प्लान है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। इसके अलावा बहुत सारे प्लॉट ऐसे थे, जैसे सी ब्लॉक में 10 मरले के प्लॉट्स थे, वो हमने क्लाइंट से ली ही, 25% डाउन पेमेंट थी और उनको पोजीशन मिल गया। उसके अलावा एच ब्लॉक के प्लॉट थे, उनको टाइम से पहले पोजीशन मिल गया। इवन अभी उनकी 3-4 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं, पेमेंट प्लान में ही ड्यू हैं। तो पोजीशन के हवाले से पार्क्यू सिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि जो लोग यहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं, एटलीस्ट दे आर कंफर्टेबल कि उनको अपने पेमेंट प्लान से पहले पोजीशन मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे जे ब्लॉक का पेमेंट प्लान अभी भी ड्यू है, उसमें लोगों की इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, अभी किसी ने 2 इंस्टॉलमेंट जमा कराई हैं, किसी ने 3 कराई हैं। इसके अलावा जे ब्लॉक के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करें, क्योंकि बैलेटिंग उनकी ऑलरेडी हुई हुई है, मशीनरी मूव कर गई है पोजीशन के लिए। तो आपको जितने लोग मैक्सिमम, जिन्होंने ज़्यादा पैसे जमा कराए होंगे उन प्लॉट्स में, या ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट होगा, या 50% अबव पेमेंट होगी, उनको हम पहले पोजीशन देंगे। और ये वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी साबित होगी, उस पर प्रॉफिट भी जल्दी ज़्यादा आएगा और उनको पोजीशन भी सबसे पहले मिल जाएगा। जी दानियाल साहब, ये सब तो हो गया पार्क्यू सिटी के हवाले से। अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने माशाल्लाह अभी रिसेंटली 2 ईट्रॉन जीती हैं, कैसी फीलिंग्स हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने 2 ईट्रॉन जीती हैं। मैं जो आपको कह रहा था कि पार्क्यू की पॉलिसी जो भाया साहब ने बनाई थी रिबेट स्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें एक चीज़ ये थी कि आप कंसिस्टेंटली अगर 3 बार टॉप परफॉर्मर हैं तो आपको ईट्रॉन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम लोगों ने 2 ईट्रॉन जीती हैं। लास्ट मंथ वी वर टॉप परफॉर्मर ऑफ द मंथ, तो बिल्कुल जी बहुत अच्छी फीलिंग है। और जो चीज़ आप इस तरह अचीव करते हैं, विन करते हैं, अपनी एफर्ट से विन करते हैं, उसकी खुशी तो आपको पता है कि वो और ज़्यादा होती है। बिल्कुल, तो हम वी आर थैंकफुल टू पार्क्यू सिटी, भाजा साहब, अलीम खान साहब, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और ईट्रॉन्स जीती। तो आप मार्केट में जो रियल्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो पार्क्यू सिटी के साथ क्यों काम करें? देखें, पार्क्यू ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, बहुत दोबारा डीलर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीलर्स हमने ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिए थे। तो हम चाहते थे कि हम जो लोग पार्क्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ सोसाइटी भी चले और उनको आगे लेके जाए, उनकी ग्रोथ भी उस चीज़ में हो। तो अभी बहुत से रियल्टर्स ऐसे हैं मार्केट में जो काम करना चाहते हैं पार्क्यू सिटी के साथ, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो आएँ, साइट देखें। सून हम इंशाल्लाह एक इवेंट करने लगे हैं पार्क्यू सिटी की साइट पर, जितने उसमें हम जितने रियल्टर्स हैं पिंडी, इस्लामाबाद और जितने साथ वाले इलाकों के, उनको हम बुलाएंगे, उनको हम साइट विज़िट कराएंगे। एक बहुत अच्छा इवेंट करने लगे हैं हम प्लान, तो आप ज़रूर उस इवेंट में भी आएँ और आके पार्क्यू सिटी की साइट देखें, प्रीवियस जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनसे ओपिनियन लें मार्केट में, और जो लोग जो हमारे सेल्स पार्टनर ऑलरेडी हैं उनसे मशवरा लें, उनसे गाइडेंस लें और पार्क्यू सिटी में काम करें। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो प्रॉफिट में हैं, एंड कंज्यूमर प्रॉफिट में है, जितने लोगों ने यहाँ पे घर बनाने के लिए प्लॉट लिए थे वो अभी अपना घर बना रहे हैं और कुछ स्टार्ट करने लगे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हर साइज़ अवेलेबल नहीं होता कंस्ट्रक्शन के लिए। आप अगर पार्क्यू की साइट, पार्क्यू सिटी की साइट पर आएँ तो यहाँ पर 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बड़े प्लॉट्स अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी लोकेशन पर अवेलेबल हैं। जो हमारे फॉरन एंड कंज्यूमर्स हैं जो यहाँ पर बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं, जो अपना विला बनाना चाहते हैं, जो फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा 5 मरला, 10 मरला, हर साइज़ अवेलेबल है। तो आप ज़रूर विज़िट करें पार्क्यू सिटी, और जो हम जल्द ही एक इवेंट अनाउंस करने लगे हैं उस पर आप ज़रूर शिरकत करें। और पार्क्यू सिटी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अपने रियल्टर्स को, अपने सेल्स पार्टनर को साथ लेके चलता है और उनकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। थैंक यू सो मच दानियाल, आपने हमें इतना टाइम दिया और थैंक यू सो मच कि आपने पार्क्यू सिटी पर भरोसा किया। बहुत थैंक यू।